वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का वेस्टडे नाइट डायनामाइट शो शुरू हो चुका है और आज यहां पर AEW के वेस्टडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू हो चुका है। गाइस, आज यहां पर AEW के वेस्टडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर द यंग बक्स देखने को मिले जो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर दो बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। और गाइस, सबसे पहले आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर यंग बक्स हैंगमैन एडम पेज को एड्रेस करते गए, जहां पर यंग बक्स ये कहते गए कि रेवोल्यूशन पेपरव्यू पर हैंगमैन एडम पेज के रेफरी पर अटैक करने के बाद अब यंग बक्स ने हैंगमैन एडम पेज को सस्पेंड कर दिया है। तो गाइस, वही AEW के अंदर केनी ओमेगा के लगातार कंपनी से गायब रहने के बाद अब यंग बक्स ने केनी ओमेगा को इलीट से फायर कर दिया है। और गाइस, यही यंग बक्स के हैंगमैन एडम पेज और केनी ओमेगा इन दोनों को ही इलीट से बाहर करने के बाद यंग बक्स उनका प्रोमो कट कर रहे होते गए, तभी यहां पर एडी किंगस्टन अरीना में अराइव हो जाते गए, जिसके बाद कि एडी किंगस्टन और यंग बक्स के हीटेड मोमेंट के बाद यंग बक्स यहां पर एडी किंगस्टन को बीट डाउन करने लगते गए। और गाइस, तभी सडनली अरीना के अंदर हमें यहां पर क्वाइन ड्रॉप होते हुए दिखाई देता है और रेन मेकर ओकाडा आज यहां पर सूट पहनकर AEW के शो के ऊपर उनका डेब्यू करते गए, जहां पर रिंग में आने के बाद यहां पर लगता है कि ओकाडा यंग बक्स पर अटैक करेंगे। बट गाइस, तभी सडनली ओकाडा यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर एडी किंगस्टन पर रेन मेकर हिट कर देते गए और इसके बाद यंग बक्स ये अनाउंस करते गए कि केनी ओमेगा और हैंगमैन एडम पेज के इलीट से बाहर जाने के बाद ओकाडा यहां पर इलीट के न्यू मेंबर बन चुके गए और अब यहां पर AEW के अंदर ओकाडा यहां पर फुल टाइम यंग बक्स के साथ काम करने वाले गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेन मेकर के AEW पर डेब्यू करने के बाद आखिर यहां पर ओकाडा इलीट के साथ कैसे आगे जाते गए।